प्लांट। अगर हम जाइलम की बात करें तो ये लॉन्ग होलो कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं जो वाटर और मिनरल्स जो रूट्स के थ्रू सॉइल से अब्जॉर्ब करके बाकी पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करती हैं। कंटेन अ टफ सब्सटेंसेस कॉल्ड द लिग्निन दैट लाइंस द वॉल ऑफ टू प्रोवाइड द सपोर्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिकिन की बनी हुई होती है जो इसको प्रोवाइड जो है वो टफ होती है, मतलब थोड़ी उसको सपोर्टिव होती है, वो हार्ड होती है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और हमने कहा है कि ये जो जाइलम की वाल्स होती है वो थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं और ये प्लांट का ट्रंक बनाती है एज अ रिंग की फॉर्म में पेयर करते हैं। जो हम जो प्लांट का वुडन पार्ट देखते हैं वो दरअसल क्या होता है, वो जाइलम होता है। रूट स्ट्रक्चर, अगर हम रूट को रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देखें, इनसाइड द रूट देखें तो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो रूट इस फॉर्म में हमें नज़र आती है। रूट हेयर टेक इन वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट। रूट्स के सराउंडिंग में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और जो रूट्स होती हैं इसकी हेल्प की वजह से ज़्यादा अमाउंट में वाटर और जो सॉल्ट है उनको अब्जॉर्ब कर पाती हैं। फ्लोइम ब्रिंग फूड फ्रॉम द लीव्स विच इज़ यूज टू मेक न्यू सेल एट द रूट टिप। जो फ्लोइम होता है जो रूट्स होती हैं उसमें भी जो फ्लोइम होता है वो प्रेजेंट होता है क्योंकि वो लीव्स हम कह रहे हैं ना फूड जो पूरे प्लांट में ट्रांसफर होते हैं, फ्लोइम जो होता है वो रूट में भी प्रेजेंट होता है और वो रूट की न्यू रूट टिप्स बनाने में हेल्प करता है। इसके रूट कैप, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप एज इट ग्रो थ्रू द सॉइल। जो रूट कैप होती है वो रूट की जो टिप होती है, ये आप देख रहे हैं रूट कैप, ये रूट जो टिप है उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है ताकि वो सॉइल के अंदर प्रॉपर वे से ग्रो कर सके। रूट टिप ग्रो एज द सेल डिवाइड, और रूट टिप जैसे जैसे सेल डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे रूट टिप की जो है वो ग्रोथ होती रहेगी। और ये आप जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये इसका फ्लोइम है और ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है जाइलम है। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट अप द स्टेम। जो जाइलम है वो वाटर और जो मिनरल साल्ट है उनको सॉइल से अब्जॉर्ब करेंगे, उसको कैरी करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल कॉर्टिक्स, कॉर्टिक्स स्टोर सम फूड एज अ स्टार्च। और इसका जो कॉर्टिक्स होता है रूट का वो सब कुछ जो फूड होता है उसको स्टोर करता है ताकि वो रूट हेयर की ग्रोथ में या रूट टिप की ग्रोथ में हेल्प कर सके। हाउ वाटर मूव इन टू द प्लांट, किस तरह जो वाटर है वो मूव करता है प्लांट में। आप देख रहे हैं ये सॉइल पार्टिकल है, ये रूट है, तो जो सॉइल वाटर है ये वाला दिखाया, ये रूट हेयर है, ये जो रूट हेयर है और जो रूट होती है ये वाटर को थोड़ा सा और डिफरेंट ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये सेल टू सेल जो होते हैं, ये सेल का कॉर्टिक्स है जिसमें फूड थोड़ा सा ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिजोल्व होता रहता है और ये जाइलम वेसल्स में चला जाता है और इस तरह वाटर पास अब द स्टेम इन द जाइलम। और इसी तरह जो वाटर है वो उसके स्टेम में सेल से सेल में जहाँ उसके